नमस्कार स्वागत है आपका कबीर न्यूज में मैं हूँ आपके साथ ऋचा कमल दुनिया के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग अब हमारे बीच नहीं रहे 14 मार्च 2018 आज वह दिन है जिसे कोई नहीं भुला पाएगा क्योंकि आज दुनिया को ब्लैक होल की थ्योरी समझाने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे जी हाँ छिहत्तर साल की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित उनके घर पर उनका निधन हो गया उनकी फैमिली के स्पोक्स पर्सन ने खबर की पुष्टि की हॉकिंग ने ब्लैक होल और रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के क्षेत्र में काफी काम किया उनकी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया भर में काफी चर्चित रही थी उनके बच्चों ने बयान में कहा वो एक महान वैज्ञानिक थे उनका काम और विरासत वर्षों तक हमारे बीच रहेगा हॉकिंग के बच्चों लूसी रॉबर्ट और टिम ने अपने बयान में कहा हमारे प्यारे पिता का निधन हो गया वो एक असाधारण शख्स थे उनका साहस और काबिलियत के साथ उनके दृढ़ रहने की क्षमता दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देती रहेगी एक बार उन्होंने कहा था कि तब तक ब्रह्मांड बड़ा नहीं हो सकता जब तक यह आपके पसंदीदा लोगों का घर नहीं बन जाता हम उन्हें मिस करेंगे स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को फ्रेंक और इसाबेल हॉकिंग के घर में हुआ परिवार में आर्थिक कमी के बावजूद इनके माता पिता दोनों ने अपनी शिक्षा ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय से पूरी की जहाँ इनके पिता फ्रैंक ने आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और ईसा बेल ने दर्शन शास्त्र राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया वो दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के तुरंत बाद एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में मिले जहां ईसा बेल सचिव के रूप में कार्यरत थी और फ्रैंक चिकित्सा अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्यरत थे हॉकिंग की दो छोटी बहन फिलिप्पा और मैरी के अलावा एक भाई एडवर्ड भी हैं जिन्हें इनके माता पिता ने गोद लिया था वे भौतिक विज्ञानी ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक थे वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर थियोरिटिकल कॉस्मोलॉजी के रिसर्च विभाग के डायरेक्टर भी थे उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन पेनरोज हॉकिंग थोरम्स विकेस्टीन हॉकिंग फॉर्मूला हॉकिंग एनर्जी समेत कई अहम सिद्धांत दुनिया को दिए उनके कार्य कई रिसर्च का बेस बने स्टीवन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम योगदान दिया है उनके पास 12 मानक डिग्रिया थी उन्हें अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था हॉकिंग ने दो बार शादी की पहली पत्नी जेन वेल्ड थी जिनसे ग्रेजुएशन के दौरान ही हॉकिंग ने शादी की थी ये तीस साल तक साथ रहे उन्नीस में, में इनका तलाक हो गया इसके बाद हॉकिंग ने एलन मैसन से शादी की हॉकिंग ने कहा था मानव जाति का लंबा भविष्य अंतरिक्ष में होना चाहिए उन्होंने कहा कि यदि अगले 200 साल तक मानव जीवित रहा और अंतरिक्ष में रहना सीख लिया तो भी हमारा भविष्य उज्जवल होगा कैम्ब्रिज में उन्हें लुकेशियन प्रोफेसर और मैथ्स का सम्मानित पद प्राप्त हुआ था, जहां से 1702 तक सर न्यूटन रहे थे उन्नीस में 21 वर्ष की उम्र में हॉकिंग मोटर न्यूरॉन बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसके बाद डॉक्टरों का मानना था कि वे मात्र दो साल जीवित रह सकते हैं इस बीमारी के कारण हॉकिंग पर लकवा का अटैक हुआ और वे व्हील पर निर्भर हो गए इसके बाद अपने एक हाथ कि बस कुछ उंगलियों को ही वे हिला सकते थे इस कारण ये हर चीज के लिए दूसरे पर या फिर टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आश्रित हो गए नहाने कपड़ा पहनने खाने यहाँ तक कि बोलने के लिए भी हॉकिंग ने स्पीच सिंथेसाइजर का उपयोग किया जिससे कंप्यूटराइज आवाज में अमेरिकी एक्सेंट के साथ वे बोल पाते थे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा जितना संभव हो सकता है मैं सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता हूँ और अपनी स्थिति के बारे में नहीं सोचता हूँ किताब अब बीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम काफ़ी चर्चित हुई थी इस किताब में उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत ब्लैक होल प्रकाश शंकु और ब्रह्मांड के विकास के बारे में नई खोजों का दावा कर दुनिया भर में तहलका मचा दिया था उनकी इस किताब की अब तक करीब एक करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं स्टीफन हॉकिंग मोटर न्यूरोन बीमारी से पीड़ित थे उन्नीस में उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला उस समय उनकी उम्र महज 21 साल थी तब डॉक्टरों ने बोला था कि स्टीफन सिर्फ दो साल और जिंदा रह पाएंगे बावजूद इसके हॉकिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करने गए और एक महान वैज्ञानिक के रूप में सामने आए आखिर क्या होती है म्यूटर न्यूरोन बीमारी मोटर न्यूरोन बीमारी में ब्रेन के न्यूरो सेल का असर होता है में के न्यूरोलॉजिस्ट जॉन उनहत्तर ने इस बीमारी का पता लगाया था बीमारी को एम के नाम से भी जाना जाता है MND दो स्टेज में होती है। पहले चरण में यह न्यूरॉन सेल को खत्म करता है और दूसरी स्टेज में ब्रेन से शरीर के अन्य अंगों तक सूचना पहुंचाना बंद हो जाता है इस बीमारी में मरीज को खाने चलने बोलने और सांस लेने में दिक्कत होती है बीमारी बढ़ने के साथ ही मांसपेशियां कमजोर और ढीली पड़ने लगती हैं। शरीर के हर अंगों में सेंसेशन होता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होती महज 32 वर्ष की उम्र में साल 1974 में हॉकिंग ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बने पांच साल के बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया इस पद पर कभी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन नियुक्त थे एक नज़र हॉकिंग से जुड़ी कुछ बड़ी बातों पर दुनिया भर में मशहूर भौतिक विज्ञानी और कॉस्मोलॉजिस्ट हॉकिंग को ब्लैक होल्स पर उनके काम के लिए जाना जाता है 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड को ऑक्सफोर्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद हॉकिंग का जन्म हुआ था 1988 में उन्हें सबसे ज्यादा चर्चा मिली थी जब उनकी पहली पुस्तक अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स मार्केट में आई इसके बाद कॉस्मोलॉजी पर आई उनकी पुस्तक की एक करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी थीं इसे दुनिया भर में साइंस से जुड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक माना जाता है उन्नीस में स्टीफन हॉकिंग जब सिर्फ 21 साल के थे तब उन्हें लैटरल स्लोरोसिस नाम की बीमारी हो गई इसके चलते उनके अधिकतर अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था इस बीमारी से पीड़ित लोग आमतौर पर दो से पांच साल तक ही जिंदा रह पाते हैं लेकिन वह दशकों जिए। स्टीफन हॉकिंग व्हील के जरिए ही मूव कर पाते थे इस बीमारी के साथ इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाले स्टीफन हॉकिंग पहले शख्स थे महज इक्कीस साल की उम्र में बीमार होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और तमाम चौंकाने वाले शोध दुनिया के सामने रखे हॉकिंग एक व्हीलचेयर के सहारे चल पाते थे और एक कंप्यूटर सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ते थे 2014 में स्टीफन हॉकिंग की प्रेरक जिंदगी पर आधारित फिल्म द थियरी ऑफ एवरीथिंग रिलीज हुई थी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने 1965 में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्सेज विषय पर अपनी पीएचडी पूरी की थी बेहद दिलचस्प बात यह है कि स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने उन्हें मेडिकल से जुड़ने की सलाह दी यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं थी ऐसे में उन्होंने फिजिक्स को चुना तीन साल बाद उन्हें नेचुरल साइंस में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री मिली फिलहाल आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार